हमारे पास देवर हैं, ननद हैं, 3-4 बच्चे हैं, फिर भी हमें वो लोग देख रहे हैं, हमारा भी परिवार देख रहे हैं। हमारे पिताजी जो वो मेहनत करके कमाते खाते हैं, हम लोगों का पेट पाल रहे हैं जी। बच्चे भी मेरा याद करता, पापा पापा कहता है, तो हम लोग क्या करें, जब है ही नहीं तो किसे बताए तुम्हारा पापा कहाँ है। को सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कितना दिन हो गया है मेरे आदमी के पकड़े गए। नहीं, देखने के लिए तरसते हैं सब लोग, दिन रात रो आई छुटा था सब। छूट जाएंगे, काहे रो रहे हैं आप, हौसला रखिए। खाते जब तब सोचती आज हमारा लड़का होता तो वो खाते पीते हैं। तो भाई 3 लड़कियां मैं देखा था, एक लड़की आखिरी नहीं देखा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के भटेवरा गांव में है, और आज भी इस गांव में पाकिस्तान से चिट्ठी आती है। आप देख सकते हैं भदोही का ये लाल है जो आज भी पाकिस्तान की कैद में है, यानी पाकिस्तान की जेल में बंद है। और इस बच्चे की तस्वीर देखिए, यह बच्चा जब जन्म नहीं लिया था तभी इसके पापा पाकिस्तान की कैद में हो जाते हैं। सारा कुछ हम मामला जानेंगे कि आखिर कब कैसे क्या स्थितियां बनती है तो पाकिस्तान की जेल में बंद हो जाते हैं, और आज भी इस गांव में और इस घर में पाकिस्तान से चिट्ठी आती है। सारा कुछ हम मामला जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा नाम है मेरा। आपका नाम पूजा है, आपके पति जेल में बंद हैं? जी। कब से बंद हैं? साल भर हो गया। साल भर हो गया जी। क्या करने गए थे? मछली मारने का काम कर रहे थे वो। कहाँ पर? वहाँ गुजरात में। गुजरात में कैसे जाते हैं, कब पता चला था आपको? हमको पता चला था 8 फरवरी को कि पकड़े गए हैं वहाँ पे। जी। वहाँ से चिट्ठी आती है? वहाँ से चिट्ठी आती है, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि वहाँ से आती है कि कहाँ से आती है। जी। उसमें क्या लिखा रहता है जो पाकिस्तान से चिट्ठी आती है आप लोग के लिए? पाकिस्तान से जो चिट्ठी आती है उसमें लिखा रहता है कि हमारे बच्चे और हमारे परिवार सही से रहें और हम लोग सही से हैं, यही लिखते हैं। यही लिखा रहता है जी। तो अब घर और का खर्चा वर्चा कैसे चलता? घर का खर्चा क्या चले, हमारे एक पापा जी, हमारे पास देवर हैं, ननद हैं, 3-4 बच्चे हैं, फिर भी हमें वो लोग देख रहे हैं, हमारा भी परिवार देख रहे हैं। हमारे पिताजी जो वो मेहनत करके कमाते खाते हैं, हम लोगों का पेट पाल रहे हैं। घर का खर्चा ठीक तरह से नहीं चल रहा? नहीं, मेरे घर का खर्चा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, अकेले ही कमा रहे हैं, मेहनत करके कैसे चलेगा उनका खर्चा? जहाँ 8-9 परिवार है कैसे चलेगा खर्चा हम लोग को? सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कितना दिन हो गया है मेरे आदमी के पकड़े गए, लेकिन कोई किसी भी कार्रवाई कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसे? किसी भी तरह हमारा आदमी हमारे घर पे आना चाहिए, हम यही चाह रहे हैं। क्या बातचीत हुई थी जब फोन से अंतिम बार में? वहाँ से गुजरात से जो हमसे बात कर रहे थे वहाँ से बोले कि यहाँ पे गोली चल रही है, हम बोले कि वहाँ मत जाइए, फिर भी पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को, पता ही नहीं चला। तो कितने साल से वहाँ रह रहे थे गुजरात में मछली मारने का काम? यही पहली बार गए थे, साल भर हो गया, गए साल भर हो गए पकड़ाने, यही दूसरा साल हुआ है। अच्छा, जिसके लिए काम कर रहे थे पैसा वैसा मिला कि नहीं? नहीं, पैसा भी नहीं मिला है वहाँ से, एक ही बार भेजे थे उसके बाद नहीं। बच्चे का मुंह भी नहीं देखे तब? नहीं, अभी पाकिस्तान की कैद में है जी, अभी मेरे बच्चे का मुंह नहीं देखे हैं वो। तो बच्चे भी याद करते होंगे? जी, बच्चे भी मेरा याद करता, पापा पापा कहता है, तो हम लोग क्या करें, जब है ही नहीं तो किसे बताए तुम्हारा पापा कहाँ है। कहाँ कहाँ गई थी मदद के लिए? मदद के लिए ज्ञानपुर, सुरियावा, मछली शहर, सब जगह पे गई हूँ, तभी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे गांव कोई भी मीडिया नहीं आती, यहाँ से यहाँ की मीडिया नहीं आती, कभी नहीं आई है मेरे घर पे। एक दर्द है कि मतलब कि इतने दिन से हैं बंद हैं, कोई बातचीत भी नहीं होती? नहीं, कोई बातचीत नहीं होती वहाँ से। एक बार कहा जा रहा था छूट रहे हैं, क्या क्या हुआ था उस दौरान? पता नहीं क्या हो गया, बोल रहे कि छूट रहे हैं, नाम भी आया था, फिर भी पता नहीं क्या हो गया कि वहाँ से नहीं छूटे वो लोग। तो देख सकते हैं ये इनकी पत्नी है किस तरह से रो रही हैं, और घर का खर्चा भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है, और तभी नीरज जी तभी जाते हैं जब ये बच्ची
पेट में रहती है तभी जाते हैं, और इतनी बड़ी कितने महीने की हो गई? ये साल भर का हो गया। साल भर का जी। और साल भर से अपने पिता की राहें देख रहा है बच्चा, कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। मम्मी हैं आप? हाँ। आ, आ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कब से गया, मतलब कि क्या बातचीत हुई थी आपके बेटे से अंतिम बार में? वो तो साल भर हो गया साहेब। साल भर हो गया। हाँ, पकड़ाने। क्या याद करती है बेटे को? बहुत याद करती है। जब मैं खाती है जो, तब सोचती है आज हमारे लड़का होते तो वो खा तो पीते है। हाँ। भाई तीन लड़कियाँ मैं देखा था, एक लड़की आँखी नहीं देखा था, तो दुख तो होता ही भाई है। घर का खर्चा भी नहीं चल रहा? कुछ नहीं चला था, बतियात रहे तो भाई उनसे कहात रहे सुनत रहे, बात नहीं होता तो कहा कही होना। पाकिस्तान से चिट्ठी उठी आती है? चिट्ठी हमारे ननियावरे आवत है, तब वहीं से खबर आवत है। बड़की मोबाइल है ये ना आई ने कहा से मंगाई, एकदा क्यों मांगे रहे तो एकदा ये आई रहा भाई मोबाइल ही में। पता नहीं किस हालत में होंगे, सोच सोच के डर भी रही होंगी। डरा था भाई कि कैसे है हमारा लड़का, कैसे खात है, कैसे हैं, कैसे उनको ऊपर भेजा था, कैसे बीता था ऐसा है। कहा कर दुख होता है भाई है लड़के के पीछे, मैंने बहुत सोचा था। अब जैसे जो हालत है वहाँ के, अब जान भी नहीं पा रहे हूँ इसलिए डर भी लग रहा होगा? नहीं, हम वहाँ की हालत नहीं जान रहे इसीलिए तो रात दिन रो रो के हम लोग का बुरा हाल हो गया। कहाँ जाए, कहाँ क्या करे, हम लोगों का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, किससे मदद की गुहार लगाए? सुनाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ के आदमी छूट रहे हैं, ये तो नहीं मालूम कि वो लोग छूट रहे हैं। इतना दिन हो गया कब से पुकार हो रहा है, फिर भी तो नहीं आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से नीरज आज भी पाकिस्तान की कैद में है, और वहाँ पर आती हैं तो सिर्फ चिट्ठियाँ, और ये भी नहीं पता कि कौन वो उस चिट्ठी को भेज रहा है। सिर्फ मोबाइल पर आती हैं और घर वाले पढ़ते हैं, और बच्चा देख सकते हैं किस तरह से रो रहा है। कहीं ना कहीं अब सरकार को इस परिवार की मदद करनी चाहिए। आज भी जिस तरह से नीरज फंसे हुए हैं, एक बार कहा जा रहा था कि जल्द ही पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन हालांकि अभी तक निकल नहीं पाए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये गांव के लोग हैं जो जुटे हुए। क्या नाम हुआ आपका? चंदा। काहे रो रही हैं आप, कौन हैं? उनकी चाची। आप उनकी चाची हैं, रो रही हैं। क्या बातचीत हुई थी आपसे? कुछ नहीं, हम बात नहीं करते हैं, लोग उनके घर के बात करते हैं। भतीजे की याद आती है? हाँ, इतना दिन हो गया, सब लोग रोते हैं उसके लिए। आ नहीं रहा है? नहीं, देखने के लिए तरसते हैं सब लोग कि कभी आएगा वो। आप पिताजी हैं, तब बेटा नहीं, तब पाकिस्तान की कैद में है तो? हाँ साहब, पाकिस्तान के कैद में हैं साहब, दिन रात वो आई छुटा था साहब। छूट जाएंगे, काहे रो रहे हैं आप, हौसला रखिए। हौसला का साहब एकदम से हमारे कुछ आगे बढ़ते ही नहीं है साहब, हमेशा रोई छुटे थे साहब। हमेशा आप लोग रोते रहते हैं? हाँ साहब। किसी के पास मदद के लिए जाते हैं साहब? हम जो है ज्ञानपुर से गए थे, खाली मछली शहर से हमें कोई रिपोर्ट बता मिले तो बस, यार कुछ नहीं साहब, यार क्यों नहीं कह पाए, बहुत दौड़ करे साहब। सिर्फ दौड़ रहे हैं? हाँ, हम पढ़े भी पढ़े लिखे नहीं है साहब, अपन नाम दस कर नहीं कह पाए साहब, यह सब कैसे हम का कह सके थे साहब। बस बेटे की याद आती है? हाँ। क्या बातचीत हुई थी अंतिम बार में आपसे? अंतिम बार में हम साहब यहाँ से मैं कुछ ना कह सकता साहब, रवाई थी क्या कि हमसे कुछ समझ में नहीं आवा था। क्या करते हैं, घर का खर्चा कैसे चल रहा है साहब? यह लबराना खटी तो साहब देहात में बस, एक दिन पूरा नहीं होता। नहीं, एक दिन मिला था, चार दिन नहीं करते साहब, काम नहीं मिल पावा तो कहाँ से चल पावा, काम भी नहीं मिल। नहीं, तो देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार आस लगाए बैठा हुआ है सरकार से कि आखिर सरकार कब इनकी मदद करेगी, और इनके जो घर का चिराग है कब पाकिस्तान की कैद से बाहर आ पाएगा। अब देखना ही होगा सरकार कब तक इनको, नीरज जी को वापस लाती है, अब देखना होगा।
परिवार के लोगों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, भदोही।